कृष्ण। नमस्ते दीदी, हाँ नमस्ते। मैं बोल रहा हूँ। तो दीदी, आप मुझे बताओ कि मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ कहाँ से शुरू हुआ आपका, कि मतलब जहाँ से आपको लगा कि यहाँ से प्रॉब्लम आपकी शुरू हुई। ये 2017 में शादी हुई ना, हाँ हाँ ठीक है जी 21 सितंबर को। जी तो उसके बाद कोई 8-9 दिन तक वहां पे, 9 दिन तक रहे घर पे, तो उसके बाद चले गए। तो मैं फोन कर दी रही यहाँ से, तो बिजी बिजी आता रहा रात भर, मतलब जब भी जी करना। तो फिर वहां से, मतलब कि कभी अगर उठा भी लिया फोन तो गाली गलौज करनी। हाँ, वो अब मैंने चैट्स में पढ़ा था जी, हाँ, उसी वजह। ठीक मतलब वो तो थोड़ी सी, बहुत सारा डिलीट भी कर दिया उन्होंने। मतलब कि जो ठीक कभी ऐसा झगड़ा हुआ कि उनके, मतलब ब्रदर ने उनके, मतलब कि सिम, मतलब तोड़ दी, वहां से बहुत सारा जो भी था वो डिलीट कर दिया, और मुझे उन्होंने पकड़ के रखा। तो फिर अच्छा, वहां से शादी के बाद 9 दिन के बाद चले गए। उसके बाद क्या हुआ, मैं फोन करती रही तो मतलब बिजी आता रहा रात रात तक भी। तो कभी अगर बात हो भी जाती, गाली गलौज करनी उन्होंने। ठीक ठीक अब मैंने दूसरी शादी कर लेनी है, मैंने नहीं करी तो थी दीदी, वैसे। मुझे ये बताओ कि रीजन क्या था, मतलब उनका बाहर चक्कर है, बस यही है। मुझे लगता है आपको। इन्होंने यहाँ पे भी शादी कर ली, उस लड़की के साथ भी कोई अफेयर रखा था। अब वो उसको छोड़ने वाली नहीं है, तो वो, उसने सोचा कि मतलब वो पैसे वाली है तो वो मुझे वो करेगी उसी के साथ, तो ये मेरे को मतलब कि ऐसे मतलब निकाल देगा, ये वो कर देगी। तो मतलब आपने हाँ देखा कि मतलब, या फोन पे देखा या कहीं से सुना नहीं, उसके मतलब जब मैं शादी करके गई, मैंने उनके जी? मतलब सबसे बताया घर वालों से कि मैंने कहा बिजी रहते हैं ये, तो क्या बात है, मैंने कहा इतना चुप। तो उनके भाई ने एक बार मुझे बताया, कि भाई ने भी बताया, और मतलब गांव वाले भी काफी लोग थे वहां, उन्होंने बताया कि एक लड़की आई हुई थी, मेरी एंगेजमेंट के बाद आई हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये बात नहीं बताई। ओके वहां वहां इंदौर से आई थी वो, यहाँ भलेसा में, कि ओके मैं फ्रेंड इनकी फ्रेंड हूँ। हूँ। अब लड़की एक अकेली एक लड़के के साथ कैसे आ सकती है, ये सोचने की बात थी। लेकिन बिल्कुल ये मुझे बिल्कुल बाद में पता चली ये बात, तो फिर बोला फ्रेंड थी फ्रेंड थी, खुल के भी नहीं बताया घर वालों ने। फिर एक बार मैंने मतलब उनके भाई से पहले, स्टार्टिंग में मतलब ठीक था, मैंने कहा भैया ऐसी क्या, ये सब बोलते हैं शायद वो लड़की ही है जो घर पे आई थी। मैंने कहा कौन लड़की, तो एक लड़की आई थी ऐसे ऐसे, लेकिन वो सिर्फ उनकी फ्रेंड थी। तो फिर मुझे, मैंने एक बार उन्होंने मुझे फोटो भी भेजी थी ठीक है। उस लड़की के साथ, मतलब कुछ एक रूम में थे, कुछ मतलब ऐसे हग कर रहे थे, कुछ वैसा कुछ फोटो भेजा उन्होंने। मैंने उनके भाई को दिखाया वो फोटो, मैंने कहा ये सब ये लड़की थी, मैंने कहा वो जो घर पे आई थी, तो आप क्यों रख रहे हो इसको फोन में, इसको डिलीट कर दो। उसने मेरे हाथ से ले लिया और वो फोटो डिलीट कर दी उसमें से। अच्छा तो हाँ उसके बाद फिर मुझे जी समझ आया कि यही वो लड़की थी। फिर मैंने जहाँ कहीं से, मैंने मन का नंबर है आपके पास उस लड़की का भैया, मैंने उनके भाई को पूछा, मुझे नहीं है था, डिलीट हो गया, शायद उन्हें पता ही था सबको, मुझे लगता है फिर छुपा रहे थे कुछ वैसे, उन्हें पता चल गया कि शायद इनका चक्कर है ही वहां पे। फिर जब भी मैंने उन्हें पूछना कि आप कब घर आओगे, कभी नॉर्मल बात भी फोन पे अगर करूं, तो आगे से बोलते हैं जब तेरा बाप मरेगा, जब तेरा भाई मरेगा, ऐसे बात करनी। वैष्णो देवी गए थे एक बार, हम पूरी फैमिली फैमिली में था, एक मतलब मेरा देवर, दादी, मैं, और एक उनका मतलब गांव का कजन लगता है एक लड़का। वो वहां पे भी मतलब मेरे साथ लड़ाई की जानबूझ के, वहां पे भी किसी लड़की के साथ वीडियो पे बात कर रहे थे वो सब। मतलब मैं देखती रहती थी, चैट करना, वीडियो कर मतलब कॉल करना लड़कियों को। तो उधर भी मतलब रास्ते में उन्होंने मुझे बड़ा मारा, मतलब थप्पड़ मारे उन्होंने मुझे रास्ते में। तो छोटी छोटी बात पे मतलब छोटी बहाना बात बना लेना, हाँ, कि मतलब किसी को कोई पसंद ना हो तो फिर छोटी छोटी बातों पे मतलब डांटना मारना वो सब चलता था उनका। तो जी। प्रेग्नेंट हो गई तो मैंने फोन किया, मैंने ऐसे ऐसे बात सुनाई उनको, आगे से बोला जा मेरा नहीं है ये, जा तू जाके उपवास करवा ला, जो कुछ भी पता नहीं क्या कुछ भी ऐसे बोलने लगे। तो मैं रोने लगी, मैंने उनकी मम्मी को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे बोल रहे, उनकी मम्मी भी यही लगी बोलने, अच्छा, कि मतलब उनकी हमने नहीं रखना फैमिली बच्चा, हाँ उनका अबॉर्ड सपोर्ट करा ले बच्चा, करेगी। ये वो। बिल्कुल मेरे से बात ही नहीं की उन्होंने, मेरी इतनी बुरी हालत थी, मैं बीमार हो गई, मतलब कि मेरे को उठने तक हिम्मत नहीं थी, और उनकी दादी के लिए खाना बनाना पड़ता था उस टाइम। थोड़े ओके दिनों के लिए मतलब मेरे देवर घर चले गए थे, तू पैसों के लिए आई है, तू मेरे पैसों के पीछे आई है, तो तेरा बाप वैसा वैसा, तभी तुम्हारी तेरी शादी मेरे साथ की है पैसों के लिए, पता नहीं क्या क्या। तो फिर उसके बाद फिर से मैं एक बार इसके साथ घर में गई, मतलब एक बार तारीख आई तो घर में गई मैं इसके साथ, और इसने क्या किया मेरे साथ, इसके मम्मी पापा वहां पे नहीं थे,
कहीं काम को गए, इसने मौका देखा, एक रूम में एक इतना बड़ा मोटा डंडा रखा हुआ था। अच्छा तो मतलब मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, इसने मुझे घसीट के उस कमरे में लिया, चेयर के साथ मेरे हाथ पांव बांधे, पांव के नीचे से मारा, और जगह पे इसको पता था कि लग जाएगी तो मैं फंसूंगा, इसने पांव के नीचे से उस डंडे से मुझे मारा और मुंह पे थप्पड़ इतने जोर जोर से, और वॉल्यूम स्पीकर मतलब डाल दिया, म्यूजिक लगाया था इसने, फुल वॉल्यूम पे डाल दिया कि कोई सुने ना इसकी चीखे। मतलब इनका घर जो है, घर गांव वाले घर गई थी उस दिन इसके साथ, इनका घर जो है नाले में अकेला घर है, आर पार गांव है, बीच में अकेला घर है, तो दिन में कभी आसपास लोग चलते रहते हैं, इसलिए उसने क्या किया मतलब फुल वॉल्यूम पे डाल दी ताकि इसकी चीखे ना सुनाई दे। मतलब मैं इतना मजबूर होगी ना, तीसरी छत पे थी मैं, खिड़की अगर मैं खोल देती तो शायद मैं वहां से कूद जाती, मतलब इतने इतना बेरहम इंसान है वो। तो फिर उसके बाद मैंने कहा मैं तेरी मम्मी पापा से बोलूंगी, तो बोलते मैं ऐसे नहीं बोलना है उनके साथ, तो मैं फिर चला जाऊंगा, तो मैंने नहीं आना फिर कभी वापस, मैंने उस टाइम पे नहीं बोला कुछ भी। तो जब वो चला गया सुबह शाम के टाइम, इनका मम्मी ऐसे ऐसे आप वहां गए थे, इसने ऐसे ऐसे किया, उसके पापा आगे से बोलते फिर क्या हुआ, मैं भी अपनी वाइफ को मारता हूँ फिर क्या हुआ, अच्छा उसका पापा बोलते हैं ऐसे। फिर उसके अच्छा बाद फिर जब डिलीवरी का टाइम आया तो मैं चेकअप के लिए, मैं चेकअप भी नहीं करवा रहे थे, मैं जब चली गई वहां पे डोडा में आई थी मैं फिर चेकअप के लिए, जब 9th मंथ लगा था मैं आई वहां पे, तो कभी बोलने लगा मिलिट्री हॉस्पिटल, कभी बोलने लगा ठाठरी ठाठरी में तेरे को लेंगे, तो मतलब ऐसे झूठी का वो, मतलब मेरा नंबर ब्लॉक पे रखा हुआ था उसने। फिर उसके बाद फिर मेरे मायके वालों ने डोडा में डिलीवरी हुई मेरी, तो मैं चाय लेके गई उसके लिए, इसकी मम्मी बोलना कि चल चाय लेके तू ही जा, मैं गई चाय लेके, तो आगे से बोलता है मैं तेरे मुंह पे फेंकूंगा ये चाय, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, पता नहीं क्या गालियां लगाने लगा। मैंने कहा इसने बात करनी नहीं है, मैंने उसी के पापा को बोला, मैंने कहा पापा थोड़ा मेरे ऊपर तक पहुंचाओ, मैंने कहा मैं कहा मेरा क्या फायदा यहाँ पे रहने का, मैंने कहा इसको ऐसे बात कर रही, मैंने कहा यहाँ पे मामा मामी आए हुए हैं, मैंने कहा ऐसे भेजती, मैंने कहा लोगों में उसको बड़ी शर्म। उसने जैसे मैंने इतना बोला तो उठ के, मेरा ऑपरेशन हुआ था 1.5 महीना हुआ था मैं समझे, उठ के इसने तो मुझे मारने, वहां पे मामा मामी मामू उनका बेटा, इसके पापा मम्मी मैं, इतने लोगों के सामने उसने मुझे मारा वहां पे, मतलब बीच में बच्चा था, एक पांव उसके आर पार और खिड़की की मतलब वहां पे मेरे को रखा दीवार के साथ, और वहां पे मारने लगा। फिर उसके पापा ने समझा मत ये कहीं पुलिस के पास जाएगी, बेटा बेटा अपनी मम्मी पापा से नहीं बोला, अपनी मम्मी पापा से नहीं बोला, मैं इसको समझाता हूँ ये वो कर, मैं तब भी फिर भी कुछ नहीं बोला मैंने। आगे से मुझे वो चैन सिंह ओपन थ्रेड देता था, तुझे जो करना है वो तू कर ले, सबको मैंने अपने जेब में रखा हुआ है, मेरी बड़ी पहुंच है तू क्या कर लेगी। मतलब उस लड़की का सामने सामने मेरे को फोटो दिखाए हैं उस लड़की के, ऐसे दूर से अपने मोबाइल से दिखाता था, तो अब मैं उसको छीन भी नहीं सकती थी है? मतलब गंदे गंदे फोटो दिखाने, एक बार वीडियो कॉल किया था, गंद दिखाई उसने मुझे वहां पे, तो उसके बाद वो जल्दी मतलब मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाई, मतलब अचानक से उसने वो सब दिखाया, ये तो चीज मुझे पता है। आगे से बोलता प्रूफ क्या है तेरे पास, क्या दिखाएगी, तो मैंने कहा आपके बेटे ने मैंने कहा शादी कर ली, मैंने कहा दूसरी, पूरी दुनिया बोलती है, मैंने कहा कहाँ की है, वो आगे से बोलता कहाँ की है, आप तेरी माँ से भी करूंगा, की है ना मैंने, आप तेरी माँ से भी करूंगा, मतलब बार बार यही लगा बोलने वो। तो मैंने कहा मेरी से क्यों, मैंने कहा तू अपनी से कर ले, इतनी सी मैंने बोल दिया उसको, मैंने कहा बार बार यही लगा बोलने, मतलब उसने यही बात करनी थी, मतलब जब भी मैं फोन पे करती मेरी माँ को गंदी गंदी गालियां देता था ये, तो मैंने कहा तू अपनी से कर ले, मेरी से क्यों कर रहा है। जैसे मैंने इतना बोला उसकी माँ चप्पल उठा के, उसका भाई खड़े होके, इतनी इतनी मतलब सारे 5 जने वो खड़े होके आ गए, मैं अकेली वहां पे, उसका भाई बोलता है करेक्टरलेस औरत, पत्नी क्या क्या गालियां, उसकी माँ चप्पल लेके, वो बोलता है चप्पल नहीं डंडे से मार, डंडे से उसकी माँ। तो मैंने जैसे तो मैं नंगे पैर बच्चे को उठा के बाहर ठीक निकल गई, मैं है दौड़ी वहां से, गई वहां पे नंगे पैर गई थी मैं उस दिन, वहां से पहुंची कोर्ट, वहां पे पीछे पीछे ये भी आया, आगे से बोलता है वहां पे जाके, मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे हुआ, इसकी माँ मैंने कहा चप्पल मारने के लिए आई, मुझे चप्पल मारी उसने, तो ये बोलने लगा डंडे से बहुत झगड़ा हुआ मेरे ऐसे ऐसे, तो बोलती वो जज बोलती है जी इसको अलग रूम दे दो, लेके दो अलग रूम दे दो इसको, लेके वहां पे रहेगी ये अपने बच्चे के साथ। तो फिर दिया नहीं दिया, अच्छा वो क्या ओपन बोला जब मेरे सामने आया, बोलता है आगे से बोलता है अब तुझे मैं रूम दूंगा, तेरा बाप रिटायर होने वाला, उससे प्लॉट मांग तो फिर देता हूँ, तभी आना इधर, तो नहीं तो नहीं। उसके बाद मैं क्या वापसी पे मैंने क्या किया, मैं घर नहीं गई, मैं सीधा गई पुलिस स्टेशन, उस टाइम पे मैं गई पुलिस स्टेशन, वहां पे मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है तो आप FIR कर दो, मैंने कहा इसके खिलाफ। वहां पे एक इसके इसके साइड का बंदा था भलेसा का, उसने मतलब नंबर तो मांगे उन्होंने चौकी अफसर ने कि उनके नंबर दे दो, तो मैंने तो दे दिए। फिर
फिर इसने उस भलेसा वाले आदमी ने क्या किया, उनके नंबर लेके उनको कॉल कर दी कि तुम खुद को बचाने के लिए कुछ करो, यहाँ पे तुम्हारी वाइफ आई हुई है। सिर्फ वो लड़की जो है उसको मैं बोलती हूँ यहाँ से कि तूने मेरा घर उजाड़ा, आगे से बोलती है तू क्या, मतलब तेरे पास क्या प्रूफ है, गाली वगैरह लगाती है वो लड़की भी। अच्छा वो भी हाँ मतलब हाँ हाँ आगे से बोलती तेरे पास क्या प्रूफ है ऐसे, ये तो पता है उसको कि मुझे भी पता है ये चीज और उसे भी पता है, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। फोटो मैंने उसके साथ देखे हैं, उसके मतलब गंदे गंदे फोटो मैंने उसके साथ देखे, वही लड़की, लेकिन अब मेरे पास प्रूफ नहीं है। तो अब वही मैं चाह रही थी कि अब अगर मेरा हक ही मिल जाए, मेरे बच्चे का मेरा, तो और क्या हो सकता है, ऐसा आदमी मतलब सुधरेगा आप तो है नहीं अब। ये चाहते हो? ठीक, हाँ उसमें वही है ना। अभी वो भी नहीं तो नहीं पर मतलब वो सोचा कैसा इंसान है, होगा। अगर आप उसके साथ मिलोगे ना, आप बोलोगे ये लड़की झूठी है, मतलब ऐसी मतलब मैनिपुलेट करता है ना दूसरे इंसान को, कि मतलब कि इतनी अच्छी बातें करेगा वो कि पता नहीं क्या, लेकिन मैं रही हूँ उससे जैसे जानवर है वो इंसान, इतनी गंदी बातें करता है वो, इतनी गंदी मतलब उसकी सोच है, बहुत ज्यादा गंदी सोच है उसकी। वही फिर अब जब नहीं है, अब इससे है ही नहीं कोई उम्मीद, ये जो अपने बच्चे का नहीं निकला उस लड़की से, ये बच्चे के लिए गालियां दिलवाता है। आप ना यकीन नहीं करोगे, एक बार उसने अच्छा मतलब मैं माफी तक मैंने मांगी, मैंने कहा उस दिन बच्चा था, मैंने उनका देखो बच्चा है, उसने सीधा चैट करते करते उस लड़की के साथ अपने पाँव ना मेरे पीठ पे रखे और ऊपर से थूका उसने, इतना गंदा इंसान है वो। मेरा मकसद उनको डिफेम करना नहीं है, ठीक है? अच्छा है अगर वो मेडल जीते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब किसी की लाइफ स्पॉइल करें, किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करें। मेडल जीतना ही सब कुछ नहीं होता, एक इंसान का अच्छा होना भी ज़रूरी है। आपके सामने एक लाइव एग्जांपल देखें आप, तो रिसेंटली वो रेसलर है जो सुशील कुमार है, उसने भी तो काफ़ी मेडल जीते, लेकिन उसका क्या, मर्डर किया उन्होंने। तो वही मैं सब कहना चाहती हूँ, मेरी बस लास्ट में यही अपील है LG सर से, SSP जम्मू से, कि मैंने जो भी FIR लगाई है, अब 1.5 साल होने को आया है, 19 फरवरी 2020 को FIR हुई थी, 8 दिन लगे मुझे करवाने में। तो उसके बाद से मतलब मिसगाइड किया गया, पुलिस वालों ने कहा कि हाँ जी हम 2-3 दिन में आपके स्टेटमेंट ले लेंगे। तो फिर मैं काफ़ी मैंने फ़ोन किया उनको, तो बोलने लगे अभी अभी नहीं, हम आपको खुद बता देंगे, खुद बता देंगे। ऐसे ऐसे 1 साल हो गया, फिर जब मैंने खुद पता करने की कोशिश की तो वहाँ पे गई मैं, तो वहाँ पे पता चला कि केस जो है वो बंद हो गया। तो फिर मैं गई SSP जम्मू, फिर उनके पास गई मैं, उनसे बात सुनाई अपनी सारी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ठीक रिस्पॉन्स दिए, बोले 2-4 दिन के बाद हम आपकी फाइल मंगवाते हैं, देखते हैं। तो अब 2 हफ्ते होने को आए, तो अब तक भी कुछ भी जवाब नहीं मिला। तो लास्ट में मेरी यही अपील रहेगी LG सर से, SSP जम्मू से, कि प्लीज़ इस केस को रीओपन करें और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि आपने देखा, हमने जो अभी इससे पहले ना सारे प्रूफ वगैरह जितनी भी हमारे पास चीज़ें पहुंची, तो हमने वो डाल दी हैं कि मतलब कोई बोलते ना वो ना रहे कि मतलब ये बस बातें हो रही हैं, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले कि यार जिस भाई ने मेरे को कांटेक्ट किया ना यार, कि उसने इस लायक समझा कि यार हम ये बात उठा सकें, तो बस ये है कि उसने एक उम्मीद से हमें ये चीज़ दी है, ठीक है? तो अब मैं यही चाहता हूँ यार कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करें। तो खाली वुमन एम्पावरमेंट बोलने से कुछ नहीं होता यार, हमें सही में स्टेप लेने पड़ेंगे हर चीज़ के ऊपर। अब जैसे अभी कुछ दिन पहले जैसे लोग बोल रहे थे ना कि यार हमारे साइड क्राइम रेट कुछ नहीं है, ये है, ब्रो हमारे साइड सब चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है? बट मेन बात पता क्या है, मुद्दे उठते नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे साइड मीडिया की रीच है ही नहीं कहीं पे भी, कौन जाके वहाँ पे ये ऐसे कवर करता है? जो अभी भी जो ये केस हुआ ना, वो 6 साल वाली बच्ची वाला, वो भी तब हुआ जब बहुत बंदों ने शेयर किया, बहुत शेयर बजे उसको, उसके बाद जाके ये चीज़ भी सामने लाइमलाइट में आई। तो यही चीज़ है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती ना कि बोलते ना मुद्दा उठने से पहले ही दबा दिया जाता है। कि जैसे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो भी जहाँ पे भी उन्होंने जैसे FIR इवन कराने का ट्राई किया, बोलते 8 दिन मुझे लगे, मुझे घूमना पड़ा अपने बच्चे के साथ, तब जाके मेरी FIR लगी वहाँ पे। तो जब मैंने और आसिम ने सुना तो यार हम दोनों को तो शौक ही लगा यार, क्योंकि एक तरफ इनकी डॉक्यूमेंट्री की इतनी प्रमोशन हो रही थी, तो सडनली हमें और आसिम को एक बंदे ने कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे है, तो मैं तो ये शौक थे। फिर मैंने सोचा यार, मैंने आसिम ने डिसाइड किया कि क्यों ना विद प्रूफ और एविडेंस के साथ हम बात करें, ठीक है ना? क्योंकि आजकल आपको पता है बहुत फेकनेस हो गई है,
तो जो आप साइट पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये उन्हीं के स्क्रीनशॉट हैं जो अपनी बीवी के साथ ये कर रहे हैं, और ये स्पेशली जहाँ पे ये बच्चे वाला जो जिक्र किया हुआ है, ये बच्चा उन्होंने अपनी एक और जो मे बी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड जिसको ये बोलते थे कि ये मेरी फ्रेंड है, प्यार से ये उनको बच्चा बोलते हैं, ये अपने बच्चे की तरह उनको नहीं वो बोल रहे हैं। और ये जो चैट का बताया ना भैया ने, उसमें जो ब्लर वाली चीज़ें आप खुद अंदाज़ा लगा दोगे वहाँ पर होगा क्या, हम वो चीज़ें दिखा तक नहीं सकते, इवन कि कुछ ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं किससे चैट किया, तो वो नंबर हमने खुद भी ट्रू कॉलर पर सर्च मारा, वही नाम है एंड हम उसके लास्ट के एक दो डिजिट ही दिखाएंगे, तो ताकि प्रूफ हो जाए और पहुंच जाए कहीं पे वीडियो। और अगर ये जितनी भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई है ठीक है इनकी, और जो यहाँ पे आपने प्रूफ देखा है, अगर ये बात सच हो तो मतलब बहुत ही जलील पुना ये हरकत थी। कोई भी ऐसी हरकत यार कोई बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। एक तरफ आप हिंदुस्तान को ब्रोंज मेडल ला रहे हो ओलंपिक में, काफ़ी कॉमनवेल्थ में भी काफ़ी अच्छे मेडल्स आए, और ये मैरिड लाइफ के साथ मतलब अपनी बीवी के साथ ऐसा बिहेव करना, अपने बच्चे के साथ और अपने बच्चे को नहीं अपनाना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत हरकत है यार ये तो। क्या आसिम, एंड अगर कोई बोलेगा ना कि यार इनको डिफेम करने की कोशिश है, जो भी है, जो FIR लगी हुई है ना काफ़ी पहले की लगी हुई है, ठीक है, तो बाकी इतना ही है यार, जितनी बात थी ना यार रख दी। एंड जस्ट मैं तो जब हमारी जब बात हुई, मैं सुन रहा था ना यार, तो सीरियसली अजितेश भाई का तो बोलते ना थोड़ा सा रोने का मूड हो ही गया था, पर बोलते ना कि कंट्रोल, मतलब मर्द है भाई रोना नहीं है पर कंट्रोल कर दिया, बट सही में ये चीज़ है यार कि मतलब कितना सहा है यार। एंड वो बच्चा, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, उसका क्या कसूर है, वही पिस रहा है बीच में वही पिस रहा है, उसकी एजुकेशनल लाइफ सारी वो सफ़र करेगी। अभी तो उसने देखा गया यार, 2-3 साल का बच्चा गया, अभी तो स्कूल तक में नहीं गया, एंड जब ये चीज़ें होंगी तो क्या मतलब, स्कूल लाइफ में भी बोलते हैं ना टॉन्ट मारते हैं भाई, जिंदगी बोलते हैं ना सबको गिराने की वो कोशिश करती है, तो ये बच्चा तो अभी उठने से पहले ही गिर जाएगा। तो ठीक है यार, ये वीडियो हम बस इस एक लास्ट में जो बात बोलनी थी उससे ख़त्म करते हैं कि जो कानून होता है ना यार, सब कानून के दायरे में, कोई कानून से बड़ा नहीं, इवन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी है ना, उससे भी कानून फॉलो करना है, तो फिर चाहे ये बंदा जैसे ओलंपिक में हो या जहाँ हो, आप इस चीज़ को शेयर करें। एंड बस इतना है कि जो भी ये केस हमने आपके सामने लाया, जो भी ये चीज़ है ठीक है, तो आप तो मतलब अगर कुछ और इसके बारे में जानना चाहते हैं आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, मैं इस बारे में और भी डिटेल दे सकता हूँ क्योंकि मेरे कांटेक्ट में है वो। तो बाकी यही चीज़ है कि मतलब ऐसा मुद्दा बोलते हैं ना कि हमने भी नहीं सोचा था यार, कि देखो ना उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमारे तक बात पहुँचाई कि हम आगे रखें, तो अगर ऐसे किसी की और की भी होगी यार, तो हम बोलते ना यार कि गलत नहीं होना चाहिए किसी के साथ, प्रॉपर मतलब इन्वेस्टिगेशन और जो भी चीज़ होना यार कार्रवाई होनी चाहिए, गुनहगार पे कार्रवाई होनी चाहिए, और हम जितनी मतलब हेल्प कर सकते हैं यार किसी भी पर्सन की हम बिल्कुल करेंगे। एंड लास्ट में बस इसी के साथ अगर अजितेश भाई कुछ बोलें यार, तो बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा जैसे आसिम ने बोला कि इस बात की प्रॉपर एक कार्रवाई हो कि वेदर वो सही है या गलत है, जो भी है केस आपने ऐसे ही छोड़ दिया, इसको पूरी एक प्रॉपर इस पे आप देखें। तो बाकी बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस बेटी के साथ क्या हो रहा है, और वो बंदा खुद आर्मी में है, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक आर्मी का बंदा अपनी बीवी के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, दिस इज़ नॉट गुड यार, ठीक है। तो वीडियो हम ख़त्म करते हैं, थैंक यू, कीप वॉचिंग, और लास्ट में हर एक बंदे को सपोर्ट करिए, चाहे वो भद्रवाह से हो, जहाँ मर्जी से हो, लव यू, जय भद्रकाशी।